देखो स्टार्ट नहीं हो रही है यार। सो गाइस फाइनली यहाँ पे बाइक मैंने टो कर दी, तो अभी फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। तो बोल रहे हैं भैया के मतलब कोई इलेक्ट्रिक इशू है। एक साइड से तो दे धक्का, कह दे मैं भी बाइक सीट रहा हूँ एक पैर। ओ हे गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे आप सब, होप्स हो के सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपना व्लॉग और स्टार्ट भाई मॉर्निंग से। तो टाइम हो चुका है 11:30, तो आप फिलहाल भाई धूप चेक कर रहे होंगे कितनी खतरनाक धूप है और मौसम भी थोड़ा थोड़ा बादल है, बट फिलहाल हमें निकलना है भाई लोग बहुत ज़रूरी काम से। तो अभी मैं बंदे का वेट कर रहा हूँ क्योंकि अपनी बाइक ना ख़राब हो चुकी है और बाइक ने टो करके लानी है। और फाइनली बंदा आ गया नीचे, मैंने व्लॉग भी स्टार्ट किया, बंदा भी पहुंच गया नीचे। तो सीन कुछ ऐसा भाई, मेरी बाइक ना ख़राब हो गई है आपको, कल मैं जब व्लॉग बनाने के लिए निकला तो भाई बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो आप आके वीडियो देखो तो उसके बाद पता चलेगा आपको क्या सीन है क्या नहीं। मिलते हैं आपको बाइक पे और बाइक टो करके ले जाएंगे यहाँ से नीचे और देखते हैं क्या सीन रहता है। तो गाइस अभी ना यहाँ पे मेरी बाइक स्टार्ट नहीं होती, मैंने आपको कल बोला था कि प्रोजेक्टर लगाए थे उसकी वजह से बैटरी लो हो गई थी। क्या देखो अभी सेल्फ नहीं उठा रही है बाइक, यार देखो ये स्टार्ट नहीं होगी यार, मुझे ऐसा लगता है इसने ना ड्रामे करने हैं यार। गाइस देखो स्टार्ट नहीं हो रही है यार, मैं नहीं आ रहा व्लॉग बनाने, नहीं स्टार्ट हो रही है, घर ले जाऊंगा। और फिर क्या करूँ भाई, रास्ते में खज्जल कर देगी। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से घर, पहले रस्सी लाऊंगा भाई, फिर बाइक को ना घसीट के वापस घर ले जाऊंगा। सो गाइस रस्सी वगैरह तो मिली नहीं, मैंने लाया भाई ये बड़ा रुमाल, इससे बांध के लाऊंगा भाई बाइक को घर, चुप करके बैठूंगा भाई, मेरा ना सारा मूड खराब। क्या है ये पहले बोल, क्या करवाए पहले बोल ना, पहले बंद कर दो, दोबारा कर स्टार्ट, बंद कर। करना स्टार्ट कर, को वापस घुमा, घर ले जाऊंगा भाई वापस। नहीं मुझे पता है रास्ते ड्रामे करेगी और नहीं होगी इसकी, जो मैं इसको तोड़ दूंगा। अभी ना यहाँ से प्रॉब्लम आ रही है भाई, ये ना इतना हीट हो रहा है और सेंसर की प्रॉब्लम है क्या, इसलिए बाइक बंद हो रहा है, बाकी कोई सीन नहीं है। यहाँ पे सेल्फ मारूंगा देखना, देखो इस सारा मूड खराब हो गया क्योंकि मैं सोचा एक अच्छी सी राइड करूंगा, बट क्या बोलूं यार गर। सो फाइनली गाइस आज का सीन ये है भाई लोग, ये आप देख पा रहे होंगे रस्सी, अब आप सोच रहे होंगे इस रस्सी को क्या करना है, इस रस्सी को मैं बताता हूँ क्या करना है। अभी करते हैं बाइक को टो, मैंने बाइक को बुलाया था, रस्सी मैंने बड़ी मजबूत ली है, 30 रुपये की रस्सी ली है, बहुत महंगी है पता है तुझे। सो गाइस सोचा नहीं था मैंने कि ऐसे भी दिन देखने पड़ेंगे भाई, बाइक टो करके लेनी पड़ेगी। और सो गाइस फाइनली यहाँ पे बाइक मैंने टो कर दी, तो अभी फिलहाल निकलते हैं यहाँ से फटाफट। चल 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 चल, ओए ओए रुक रुक ओए आराम, रस्सी नीचे घुस चुकी है यार, ये तगड़ा सीन हो रहा है ऐसे यार, मुझे समझ नहीं आ रहा इसको कैसे बांधा जाए, इतना काफ़ी टफ है ये सीन भाई लोग, ये टो करके लेना ना बड़ा वो सीन रहता है। इधर उधर मोड़ रहा हूँ भाई, कहीं जा नहीं रही यार, मुझे लगता है यहाँ से न्यूट्रल ले जाऊँगा। ओए रुक रुक, अब क्या हाल चाल है, ठीक हो, बढ़िया भाई, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ धक्का मारना आ जा यार। सोचा नहीं था कि भाई भाई कितना बुरा करेगी मेरे साथ यार, मतलब कल मैं सोचा था मैं व्लॉग बनाने जाऊंगा, एक अच्छा सा व्लॉग बनाऊंगा, बट भाई सीन ऐसा हो गया कि बाइक स्टार्ट ही नहीं, मतलब मेरा मौसम भी बहुत अच्छा था उस कारण मैं सोचा अच्छी सी राइड करूंगा, तो क्या बोले यार किस्मत ही खराब है। अभी देखो भाई तुम्हारा क्या करेगा, जोर लगाएगा बहुत भारी है यार ये, ओ भाई साहब, तो पीछे वो आएगा कैमरे में कैप्चर करेगा यार, जहाँ पे धक्के की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे लगाएगा धक्का। भाई इतने से धक्के लगाने में ना हालत खराब होगी। अबे मुझे धक्का दे, तेज चढ़नी चाहिए बाइक, एक साइड से तो दे धक्का, और यार धक्का दे मैं भी बाइक सीट रहा हूँ एक पैर, तेरा कोई फायदा ही नहीं आया तुझे बुलाने का, मैं अकेला उससे अच्छा था, बस तेरी टांग टूट जाएगी वो मुझे पता है, बाइक ना चलते हुए अच्छी लगती है, जब ये रुक जाती है ना फिर हमारा कलेजा फाड़ देती है। चल रहा हूँ हाईवे पे, दे रहा धक्का, बट इसको ना धक्का देना भी नहीं आता यार। सो गाइस अभी मैं इसको धक्का देता हूँ क्योंकि इसको धक्का देना आता ही नहीं है, ऐसे देते हैं धक्का, ठीक है। चल 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 चल, उधर ले जा आगे, उधर आगे, ओ लगी कोना लगी तगड़े साहब की टायर से यार। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं आनंद भाई के पास, हो रही और ठीक हो, पसीना ही पसीना हो गया यार, काफ़ी सताया बाइक ने, स्टार्ट नहीं हो रही है यार। जो कभी यहाँ पे फ्यूज़ वगैरह चेक हो रहे हैं, यहाँ पे बाइक स्टार्ट हो चुकी है, बैटरी कनेक्ट करके स्टार्ट हुई है, तो अभी भाई मल्टीमीटर से कुछ चेक करेंगे इसको, तो उसके बाद पता चलता है क्या सीन है क्या, लोगों जो कंटिन्यूस में आ रहा है अब इसका क्या पता क्या सीन है क्या नहीं है। आप उन्हें कोई शॉर्ट है मतलब वायरिंग का कोई सीन बोल रहे हो आप, वही ना इलेक्ट्रिकल इशू उसी को से। सो गाइस अभी खोलते हैं इसको यहाँ से पता चलेगा, एक चीज़ तो बोल रहे हैं भैया के मतलब कोई इलेक्ट्रिक इशू है, उसी से पहले वाली बैटरी भी उठ गई थी शायद, अभी ये ना उठ जाए फिर मुझे दोबारा बैटरी नहीं मिलेंगी रोज़ रोज़। सो गाइस अभी ना ये निकाल दिया यहाँ से, अभी चेक करेंगे दूसरा वाला डालेंगे उसके बाद पता चलेगा, ये ना हीट बहुत हो रहा है, ये ना चेंज करके देखते हैं, मतलब फ्लिकर तो यही मारता है।
पे लग चुका है, दूसरा वाला भी चेक करेंगे इसको उसके बाद, क्योंकि बैटरी मेरी डाउन हो चुकी थी उसके कारण, अब चलेगा पता। गाइस पहले ना यहाँ पे 12 आ रहा था, 12 पॉइंट कुछ आ रहा था, अभी ना यहाँ पे 13, मतलब इसका मतलब यही ख़राब है इसका, है ना। बस ये बंद हो जाती है अचानक से, पता नहीं क्या सीन है इसका। चुप कर पे सारी बाइक खुल चुकी है जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये सीट कोल ये खुला है, टैंक खुल गया, ये खुल गया, अभी पता नहीं क्या क्या खुलेगा इसका टैंक, पूरा वेस्ट टाइम हो जाना है यहीं पे, तो देखते हैं क्या सीन रहता है। अभी ना इसको हम वापस से बंद कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। भैया बोल रहे हैं ईसीयू में कोई प्रॉब्लम है क्या? ईसीयू में प्रॉब्लम नहीं है, हाँ सर्किट शॉर्ट होना, हाँ हाँ, तो वो क्या होता है ईसीयू में सेव हो जाता है, हाँ हाँ, उसको बाद में डिलीट करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, फिर जाके कंपनी में बताना पड़ेगा, वो चेक करेंगे, अगर कुछ सीन होगा ऐसा तो देखते हैं। बाकी इसकी भी प्रॉब्लम थी। 2 hours later. So finally guys, bike वगैरह बंद कर ली, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। So finally guys, निकल चुके हैं हम यहाँ से, ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, अभी देखते हैं कोई ECU में प्रॉब्लम आ रही है उसके कारण यही सीन हो पा रहा है, बाइक ने खुद ब खुद ही बंद हो रही है। 2-3 दिन देखते हो अगर बाइक ठीक हुआ ठीक नहीं तो उसके बाद फिर कंपनी में ले जाएंगे, वहाँ से चेक करवा लेंगे। मतलब कल दिन बहुत ज़्यादा खज्जल हो गया था भाई, कल मैंने व्लॉग करना था बट बहुत ज़्यादा खज्जल हो गया था, मतलब मेरा दिल नहीं करता फिर व्लॉग करने का। कभी कभी सोचता हूँ ना मैं बाइक को बेच दूँ यार, मतलब जब से बाइक गिरी है ना तब से बिल्कुल बाइक ना मतलब ठीक नहीं है, कभी कोई प्रॉब्लम दे देती है, कभी कोई प्रॉब्लम दे देती है, ठीक है। देखते हैं ना 2 दिन क्या सीन होगा, अभी स्टार्ट तो हो रही है, हाँ चलूँगा ना, चलो चलते हैं फिर। गाइस अभी मूड बन चुका है कि हम यहाँ से जाएंगे एक राइड करके आएंगे, मस्ती राइड, ये भी अचानक से मिल गया तो निकलते हैं फिलहाल यहाँ से। फिलहाल आहिस्ता ही चल रहे क्योंकि अभी इसकी बाइक नहीं है, थोड़ा इसको ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना है। हाँ भाई जब मैं चलाऊंगा तब तो इसको फैंटो फैंट चलना पड़ेगा, तो अभी हमने ज़्यादा आगे जाना भी नहीं है, बस इन्वायरमेंट पार्क तक जाना है, वहाँ पर थोड़ा सा कुछ बाइक को काम है, और मैं भी थोड़ा राइड करके तो मूड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, मौसम भी वैसे ठंडा ही है। मैंने लास्ट टाइम टैंक फुल कराया था, अभी ना 2 साल बता रहा है, मुझे समझ नहीं आया इतना जल्दी तेल कैसे खत्म हो गया। बाइक ना तेल भी बहुत ज़्यादा पी रही है क्योंकि हम चलते ही उसी हिसाब से, क्योंकि हमारा RPM ये 9-10 पे होता है, माइलेज क्या निकलेगा बाइक से। पहुंच चुके हैं हम इन्वायरमेंट पार्क के साइड, यहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो अभी देखते हैं भाई लोग आ रहे हैं, कोई उनका वेट कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या सीन रहता है उसके बाद कहीं। अभी चेक करना है यहाँ पे लीन बजने वाला, एकदम तगड़ा वाला भाई वहाँ से आ रहा है। पहले जब बंदे लीन मारा ना फुट रेस्ट नीचे मारा था यार, ओ भाई साहब, हाँ नहीं, नहीं चल चल करने के नहीं चल चल थोड़ा कर दूंगा पीछे। सो गाइस अभी साकिब भाई मेरी बाइक चला रहा है, मैं इसके पीछे बैठा हूँ। देखो यार क्या कर रहा है आगे, वो बहुत जल्दी राइड कर रहा है यार, ओ ओ भाई क्या था यार ये, थोड़ा दूर थोड़ा पीछे ना पीछे, तो गाइस मेरी ना हैशटैग होगी है पीछे बैठ के, मुझे कोई पता नहीं चल रहा, मैंने कोई बात नहीं की कुछ नहीं, इधर ही ओ ओ आराम से आराम से भाई, यार इधर ही रुको, रुक भाई ठीक है भाई, फिर मगर यार इसकी आवाज़ जो निकलती है ना वो सेक्सी निकलती है, अरे भागती है ना ये बाइक में ना, फिलहाल काफ़ी ज़्यादा धुआं आ रहा है, और देखो धुआं इस चीज़ का रहा है जो है ना यहाँ पे, देखो मतलब जो ऑयल गिर रहा है ना चैन का उसकी वजह से धुआं आ रहा है, सिलेंसर पे गिर रहा है, बट यार क्या बोलूँ यार, मतलब बट यहाँ पे ना बहुत गंदा सीन हो गया था भाई, ऐसा बट बजाना मतलब बाइक बंद होगी ना, क्लच छोड़ा एकदम से ना बाइक मतलब इधर उधर भाग गई यार, पीछे कुछ बोल ही नहीं पाया यार सच में यार, मतलब पहली बार मैं ऐसे बंदे के पीछे बैठा हूँ कि इतने गंदे साहब की बाइक भगाई है यार। और कैसा लगा आज को आपका वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, बट ब्यूटी हैशटैग कर दी, तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।